अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फातिमा, फातिमा कुकिंग में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं अंडा करी, जो कि ढाबा स्टाइल होती है, बहुत अच्छी होती है ये। आज इसको हम घर पर ही बनाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने 6 से 7 अंडे ले लिए हैं, इनको हम कट लगाएंगे। सारे अंडों में ऐसे ही कट लगाने हैं आपको, ये बहुत अच्छे से बनती है। देखिए हमने अंडों में कट लगा लिए हैं, अब इसमें हम कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे इसमें, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। और थोड़ी सी हल्दी डालेंगे। अब इसको हम मिक्स कर लेते हैं। देखिए हमने हल्दी और कश्मीरी लाल मिर्च मिला के रख दिया है। अब हम 2 मीडियम साइज की प्याज लेंगे और 3 से 4 हरी मिर्च लेंगे। इसको हम दोनों को पीस लेंगे। इसको हम बिना पानी के ही पीसेंगे। ये प्याज और हरी मिर्च हमारी पीस गई हैं। चलो इसको हम कटोरी में निकाल लेते हैं। ये प्याज और हरी मिर्च हमने कटोरी में कर ली है। और अब एक कटोरी में हम दही ले लेंगे और इसमें 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा ब्लैक पेपर डालेंगे। इसको हम मिक्स करके रख देते हैं। इससे हमारी ग्रेवी बहुत अच्छे बन के तैयार होती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। अंडे फ्राई करेंगे। इसको हम गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे, जब तक ये गोल्डन न हो जाए। देखिए हमारे अंडे गोल्डन हो गए हैं। अब इसको अब हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में। इसका कलर बहुत अच्छा आता है, कश्मीरी लाल और हल्दी। अब हम तेल में 2 तेज पात के पत्ते, 1 दालचीनी, 1 बड़ी इलायची और 3 से 4 हरी इलायची और थोड़ा सा जीरा, ये डालेंगे जब तक ये चटक न जाए। फिर इसके बाद हम प्याज डालेंगे और हरी मिर्च जो पीसी हुई थी। मसाले को हम अच्छे तरीके से भूनेंगे, जब तक प्याज की स्मेल निकल ना जाए तब तक भूनेंगे। ये बहुत टेस्टी लगती है अंडा करी खाने में, ढाबा स्टाइल है। ये हमारी प्याज हो चुकी है। अब इसमें हम दही डालते हैं जो हमने घोल के रखी हुई थी। जब भी आप दही डालो गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर देना है, वरना दही फट भी जाती है। चलिए इसमें अब हमारे सूखे मसाले जाएंगे। थोड़ी सी हल्दी है ये, थोड़ी सी लाल मिर्च है,
ये नमक है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। ये 2 चम्मच धनिया है। अब इसको हम अच्छी तरीके से भूनेंगे। इसमें हम 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। और ये हमने 1 टमाटर पीस लिया था, इसको भी हम इसी में ही डालेंगे। अब इसको हम 5 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे, जिससे मसाला अच्छी तरीके से हो जाए। देखिए हमारा मसाला हो चुका है, तेल अलग हो चुका है मसाले से। अब इसमें हम अंडे डालते हैं। और इसमें पानी भी ऐड कर लेते हैं साथ में। पानी आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं, ज़्यादा या कम। किसी को गाढ़ा खाना होता है, किसी को पतला खाना होता है। इसको अब हम 2 मिनट तक और पकाएंगे ढक के। देखिए हमारी अंडा करी बिल्कुल रेडी हो गई है, बिल्कुल बढ़िया, एकदम ढाबा स्टाइल। ग्रेवी भी कितनी बढ़िया आई है इसकी, कलर भी कितना अच्छा है, टेक्सचर एकदम बढ़िया। चलिए इसको अब हम हरा धनिया डाल देते हैं। चलिए हम डिश आउट कर रहे हैं। देखिए कितनी बढ़िया ग्रेवी आई है इसकी बनके। आपको अगर हमारी रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना।